मजेदार एक और मजेदार वीडियो मोर आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली, तो ऐसे अनबॉक्स कर दो, देखते हैं इसके अंदर हमने आपके लिए क्या परचेज किया। तो वैसे मैं बता दूं यार, ये बहुत ही शानदार अनबॉक्सिंग होने वाली, तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या देखने को मिल जाता है। वैसे इसे हमने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, और आप भी अगर परचेज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। ये हमारा बिल आ गया है, तो बिल को हटा देता है क्योंकि बिल आपका काम का नहीं है, बिल हमारे काम का है, हम लेंगे यार, देखेंगे। वो माय गॉड, देखो यार, अरे यार ये क्या, बड़ा बक्सा और छोटा पैकेट, यार ये क्या हो गया यार, इतनी छोटी सी कार देखने को मिल गई इसके अंदर हमें। यार मुझे तो लगा था इसके अंदर बॉडी बिग साइज की देखने को मिलेगी, तो इसका स्केल रेशो मैं बताऊँ आपको, तो इसका स्केल रेशो हमें देखने को मिलता है 1:24, इसका स्केल रेशो देखने को मिल जाता है। अब यार इसको भी यहाँ से काट देते हैं। वैसे आप देख सकते हो इसके अंदर में इस प्रकार की एक कार देखने वाली है, जो कि काफ़ी जबरदस्त चलने वाली है। उसके एज की बात करें तो ये आप इसे यार 3 साल के ऊपर के बच्चे आराम से चला सकते हैं, और इसे चलाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखो ये है हमारी गजब की ओहो, ये देखो भाई 4:4, और इसके अंदर देखो इतना बिग साइज का रिमोट कंट्रोल देखने में, और हमारी कार से बता था हमारे यार रिमोट कंट्रोल ही, यार ये क्या कर दिया इन्हें यार, वो यार गजब की हो गया यार, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन चलने वाली काफ़ी गजब की है। तो आप रिमोट की क्वालिटी की बात करो तो यार हमारी बिल्ड एंड क्वालिटी के मामले में रिमोट काफ़ी सुपर देखने मिलता है, और इसके अंदर हमें 4 बटन देखने को मिल जाता है, पीछे लग जाती है बैटरी, और साथ में यार रिमोट के अंदर हमें एक डेडिकेटेड बटन ऑन ऑफ का देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही रहता है कि हमारी बैटरी नुकसान में नहीं होती है, लगातार चलू नहीं रहती, जैसे हम ऑन बंद करेंगे और वो बंद हो जाएगा। और हमारे इसके व्हील की बात करें, यहाँ पर मेंशन है 4:4, लेकिन ये हमारे 4:2 होने वाली बाइक, इसके गेट ओपन होने वाले भाई, ओहो अरे यार 2 गेट ही ओपन होते भाई, मज़ा। और ऊपर लिखा जीप पावर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी, और चलने में काफ़ी शानदार होने वाली भाई, एक नंबर। और आगे हमें लाइट देखने मिल जाती है, आगे एक बम्पर देखने को मिल जाता है। व्हील की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है, बजट के हिसाब से पैसे के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बिल्कुल बेकार लग रही है, लेकिन देखेंगे टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है, और देखेंगे इसका मज़ा कितना आता चलाने में। और इसकी अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर इसकी बैटरी लग जाती है, यानी इसके अंदर पहले से इनबिल्ड है, तो वो भी हम लगाएंगे और देखेंगे इसकी कितना ज़्यादा मज़ा आता है। और देख सकते हैं यार यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने मिल जाती है 1940, और साथ में सुर माउंट देखने मिलता है, सुर माउंट क्या होता है वो भी देखेंगे। और अंदर की यार की बात करें तो अंदर देखो अंदर कितना शानदार इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ये होने वाली हमारे 4 सीटर जीप, तो देखेंगे कितना ज़्यादा मज़ा आता है। लेट्स गो, इसका स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं टेस्ट करते हैं हमारे जीप का, वो देखते हैं ये कैसे चलती है। वैसे दिखने में एक नंबर का लुक है भाई, अब ब्लैक और येलो कलर में काफ़ी शानदार लग रही है। उसके ऊपर जो लोगो है वो मेंशन करता है कि यार ये यूएस की गाड़ी है, यूएस की जीप है, यानी वहाँ का जो स्टार है ना वो फ्लैग में भी स्टार होता है, वैसे चल रही है। और चलने में भी यार बिल्कुल स्मूथ चल रही है, लाइटिंग के ऊपर चल रही है हेडलाइट, और यार इसका स्टीयरिंग कंट्रोल गजब का है भाई, बिल्कुल स्मूथ घूम रही है, वो चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट में जरूर बताना भाई। देखो दिखने में कितनी रियलिस्टिक लग रही है, चलने में बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बस यार ये ऑफ रोड के लिए नहीं है क्योंकि ये एक रेसिंग जीप है, देख सकते हो भाई काफ़ी शानदार चल रही है भाई, एक नंबर की, बस यार प्राइस के हिसाब से लो चल रही है, एक नंबर भाई ये बात। तो गाइस अब हम इसके डोर ओपन कर रहे हो, देखो यार डोर बिल्कुल ही स्मूथ, यानी अच्छे खासे ओपन हो रहे हैं। बाकी डोर की क्वालिटी की बात करें तो वो थोड़ी डिसेंट देखने को मिलती है, लो देखने को मिल जाती है, बाकी स्मूथ ओपन हो रहे हैं, बस मुझे क्वालिटी थोड़ी डिसेंट लगी। तो गाइस अब हमारे जीप से हम छोटी सी क्लाइंबिंग करवा रहे हो, देखते हैं कर पाते हैं क्या, लेट्स गो। तो गई भाई, ओहो देखो टॉप के पास लग गई, ये देखो वापस जा रहे हैं हम, ये वापस गए, ओ आपकी बार टॉप पर चले गए भाई, एक बार और करवाते हैं और एक बार और कर चुकी। तो गाइस अब हम दोनों में कराया बैक पुश, और हमने यार दोनों को एक ही डायरेक्शन में रख दिया क्योंकि यार इस दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम लगी, एक उल्टी चल रही थी इसलिए हम दोनों को सेम रख दिया। वो देखो बहुत ही जोर की यार चल रही है बैक पुश, देख सो दोनों के अंदर बहुत ही पावर है, दोनों का यार फ्रिक्वेंसी सेम है, और दोनों की प्राइस भी लगभग सेम ही थी, बस 100 रुपये का डिफरेंस था। तो गाइस अब हम करवाए दोनों में ठकुर, और देखते हैं कि ठकुर में कौन जीता भाई। देखो भाई बहुत ही टक्कर की चल रही है, ओहो भाई मज़ा ही आ गया दोस्तों, एक नंबर भाई, काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रही दोनों, ये देखो टक्कर लगा कर जोर लगा रही, लेकिन कोई जीत नहीं पा रही, दोनों बराबर चल रही है। तो
और गाइस यार अब देखते हैं हमारे जीप की रेंज, वो देखते हैं इसके अंदर में कितनी ज्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। लेट्स गो, जा रही है जा रही है। ओहो भाई गजब की चल रही है। और यार इसके अंदर रेंज भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, लगभग 30 फीट जा चुकी है भाई। और अब हम जाके इसके थोड़ा आगे रख देते हैं। तो अब मैंने इसको आगे जाकर रख दिया, लगभग 30 फीट है जा चुकी है। और अब देखते हैं अब कितनी दूर जा सकती है। तो भाई जा रही है जा रही है। ओहो मजा ही आ गया भाई, लगभग 40 से 45 फीट जा सकती है भाई इसकी रेंज, वो लगभग आगे भी जा सकती है। तो गाइस अब टेस्ट करते हैं जीप का वेट लिफ्ट, वो देखते हैं कितना वेट ले जा पाती है। तो हमने पीछे बांध दिया ट्रक, ट्रक के ऊपर रख दिया 1 किलो ईंट, और देखते हैं घिंच पाती क्या। ओह भाई देखो 1 किलो ईंट को घींच रही है, काफी ज्यादा जोर लगा इसकी, फुल पावर लगा दी है इसने आर्मी मतलब ट्रक जीप की पावर लगा दी है। वो देखो जैसे हमने ईंट को हटाया और फिर तो इसे दौड़ाए दौड़ाए फोड़ रही भाई, एक दस इधर से उधर इधर से उधर। ओह मजा आ गया भाई, यानी इसके अंदर पावर तो देखने को मिलती है लेकिन कम पावर देखने को मिलती है कंपैरिजन हमारे ट्रक से। तो गाइस अब टेस्ट करते हैं हमारे जीप का, वो देखते हैं इसके अंदर हमें कितनी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। ओह भाई गजब की चल रही है, स्पीड तो खतरनाक है भाई, लगभग 5 से 10 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है। ओह मज़ा आ गया, ओ देखो गजब की भाई एक नंबर भाई। देखो तिरछी कितनी शानदार चली हमारे, एक छोटा सा पत्थर था हमारा रैंप था उस पर काफ़ी शानदार चली, और स्पीड यार एक नंबर, मज़ा ही आ गया भाई। तो गाइस अब देखते हैं कि हमारी ये जीप ऑफ रोड कर पाती है क्या। अब ये देखो यार बिल्कुल ही नहीं कर पा रही, जरा सा पत्थर आते ही ये रुक जा रही है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। तो गाइस अब करवाते हैं दोनों में रेस, वो देखते हैं कि इनकी रेस में कौन जीतता है भाई। ये गई ये गई ये देखी, वो दोनों काफी ज्यादा टक्कर चल रही, वो जीत चुका है हमारा डंपर। एक बार वो करवाते हैं और एक बार वो करवाया, दूसरी बार में काफी ज्यादा पावर लगाया फिर भी जीत चुका है हमारा डंपर। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी यार कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो आप पूरी आपके ही रिकमेंड पर थी, क्योंकि हमारे यहाँ प्यारे से सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ये क्या थार लेकर आओ महिंद्रा, क्योंकि वो तो हमें यहाँ मिली नहीं था, तो हम लेकर आ चुके थे जीप। वो जीप की टेस्टिंग काफ़ी शानदार चली, वैसे स्पीड के मामले में बहुत ही तेज थी। तो आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसे ही वो धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।